टेस्टी और नई डिशेस की रेसिपीज़ देखने के लिए कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज मैं आपको भुट्टे में से दाने निकालने बताऊंगी बिना किसी गैजेट के। हम सारे दानों को झटपट एक मिनट में निकाल लेंगे और इसमें हम बिल्कुल भी एक भी दाना को हम मैस नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे। बहुत ही इजी सी टेक्निक आपको बताऊंगी, बहुत ही इजीली आप भी निकाल पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको भुट्टे में से दाने निकालने बताऊंगी बिना कोई मैस किए और बिना एक भी दाना हम वेस्ट किए। हम इस सारे दानों को भुट्टे में से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी सी टेक्निक आज आपको बताने वाली हूँ। आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप सारे दानों को बिना मैस किए निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न ले ली है। बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए आपकी स्वीट कॉर्न, तभी आपके जो दाने हैं वो अच्छे से निकल पाएंगे। अगर आपकी जो भुट्टा है वो पुराना होगा तो इसके दाने अक्सर पिचक जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनके आउटर लेयर्स को, पेटल्स को तो निकाल लिया है। तो अब हम इनके दाने की टेक्निक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये रूट है, इसको हम चाकू की मदद से जो है वो निकाल लेंगे। बहुत ही केयरफुली आप इसको पहले निकाल लें। इस तरह से आप चाकू इसके सेंटर में रखते हुए इसको निकाल लीजिए। देखिए, इस तरह से ये निकल गया। और अब हम क्या करेंगे, चाकू को इसके अंदर हम डालते हुए इस तरह से पूरा इसको अंदर तक ले जाएंगे। थोड़ा केयरफुली करने वाला काम है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये फटनी शुरू हो गई है। इसी तरह से हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। थोड़ा सा आप प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भुट्टे के जो हैं वो दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से भुट्टे के जो हैं दो टुकड़े हो चुके हैं। और अब बहुत ही इजी सा स्टेप है, इस तरह से ये पूरी लाइन है, जो लेयर है, अपने थंब के प्रेशर से हम इसको पीछे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि सारे दाने जो हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इसके, और एकदम पूरे निकलेंगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम सारे दानों को निकाल लेंगे। हल्का सा पीछे से पुश करेंगे इसको, प्रेशर लगाएंगे और बहुत ही इजीली फटाफट से सारे दाने इसके जो हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिना कोई मैस किए हुए हमने सारे दानों को कितने परफेक्टली निकाल लिया है। और आप देखिए, पूरी लेयर्स में से दाने अच्छे से निकल चुके हैं। एक भी दाना जो है हमारा हलवा नहीं बना इसका। और बहुत ही आसानी से हमने सारे कॉर्न के दानों को आसानी से निकाल लिया बिना किसी गैजेट के। तो ये टेक्निक दोस्तों, सिर्फ इसको थोड़ा काटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, उसके बाद इसके दानों को निकालना तो बहुत ही ईजी काम है। तो इस ट्रिक को आप अपनाते हुए दानों को ज़रूर निकालें। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।